प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर घर घर तिरंगे की मुहिम के तहत 14 अगस्त को बीजेपी एसएससी मोर्चा के जिला प्रधान संजीव कुमार द्वारा अमृतसर की विभिन्न गरीब बस्तियों में जाकर तिरंगे के साथ आजादी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 20 करोड़ घरों में लक्ष्य बीजेपी ने जो रखा था, लेकिन जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि एक दुनिया के नक्शे पर अलग तरह से दुनिया तिरंगे का रंग देखेगी। उन्होंने कहा कि वही मुश्किल से हमें आजादी मिली है, शहीदों ने कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई है। हाँ, आज के दिन हमें उन्हें नमन करना चाहिए। भारत के सबसे बड़े राष्ट्र पर्व आजादी दिवस को मिलजुल कर मनाना चाहिए। अमृतसर से शिवराज की रिपोर्ट, लाइव भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मैं दास शीरा सिंह, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी भाई जी ने शुरुआत की है घर घर झंडा। घर घर झंडे के 80 नंबर वार्ड च श्री संजीव जी तो इन्हों की टीम सारी झंडे लगाने वास्ते आई है। असी सारी टीम का धन्यवाद करते हैं कि सारे भैन भरावान मैं जी आया दोबारे आना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं जी संजीव कुमार, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा, तो मेरे नाल जनरल सैकटर श्री नरेंद्र गोल्डी जी, उप प्रधान हीरा सिंह जी, गुरशरण बिल्ला जी, ओम प्रकाश काका जी, भगत जी, बिट्टू जी, इस गुरु की बडाली के सारे वसनीक सारू, तो इस दे नाल ही सारे देशवासियों आज़ादी के 75वें वरेगंढ से अमृत महोत्सव से लख लख वधाइयां। जिस तरह के सारे पता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है, उस करके भारतीय जनता पार्टी जो एससी विंग है अमृतसर के जिन्या भी गरीब बस्तियां ने, एससी महल ने, जिन्हें भी साढ़े समाज के इलाके आते हैं, एससी मोर्चे का हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, अहदेदार उत्थे जाके हर घर तो तिरंगा वंड रहा वा, ताकि जिहड़ी मोदी साहब ने जिहड़ा आह्वान किया वा उसनू सफल बनाया जा सके। हिंदुस्तान के लोगों में इन्ना जोश है कि साढ़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने टीचा किया कि भी 20 करोड़ लोगों के घर से झंडा लगेगा, पर जिस प्रकार इस मुहिम में अंगारा मिले वा, लोग इस अमृतसर इस तरह मना रहे हैं कि एक हिंदुस्तान की 140 करोड़ के जनता के जोड़ा बाजार ने उन्होंने झंडे ब्लैक से मिल रहे हैं, इन्ना झंडा लोग खरीद रहे हैं, इन्ना उत्साह जे, क्योंकि आज़ादी वो प्रतीक है जोड़े सारे समाज में सारे वर्गों एक सूत्र से बनता वा, तो यह झंडा कोई सानू इस तरह नहीं प्राप्त होया। इन पाने साडे देश के अनेक क्रांतिकारियों ने, नौजवानों ने अपने जाना की बलिदान दिता, तो फिर कित जाके सूँ आज़ादी मिली है। तो इस करके जिस तरह आप बाकी त्यौहार मनाने वा, इस तरह जोड़ा आज़ादी का 75वीं वरेगंढ है, यू असी धूमधाम ना मनाइए, ताकि साढ़े जी आने वाली पीढ़ी है उन्होंने पता लगे कि जी सा देश की आजादी कोई इस तरह नहीं मिल गई। इन्होंने पाने सूँ काफ़ी सत्ता सहनिया पईआं, काफ़ी बलिदान देना पिया, काफ़ी कुछ करना पिया। इन्ना ही कहिंदा होया मैं सारे ही देशवासियों फिर तो लख लख वधाई दिंदा वा। जय हिंद, जय भारत। मैं जी संजीव कुमार, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा, तो मेरे नाल जनरल सैकटर श्री नरेंद्र गोल्डी जी, उप प्रधान हीरा सिंह जी, गुरशरण बिल्ला जी, ओम प्रकाश काका जी, भगत जी, बिट्टू जी, इस गुरु की बडाली के सारे वसनीक सारू, तो इस दे नाल ही सारे देशवासियों आज़ादी के 75वें वरेगंढ से अमृत महोत्सव से लख लख वधाइयां। जिस तरह के सारू पता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है, उस करके भारतीय जनता पार्टी जो एससी विंग है अमृतसर के जिन्या भी गरीब बस्तियां ने, एससी महल ने, जिन्हें भी साढ़े समाज के इलाके आते हैं, एससी मोर्चे का हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, अहदेदार उत्थे जाके हर घर तो तिरंगा वंड रहा वा, ताकि जिहड़ी मोदी साहब ने जिहड़ा आह्वान किया वा उसनू सफल बनाया जा सके। तो हिंदुस्तान के लोगों में इन्ना जोश है कि साढ़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने टीचा किया कि भी 20 करोड़ लोगों के घर से झंडा लगेगा, पर जिस प्रकार इस मुहिम में अंगारा मिले वा, लोग इस अमृतसर इस तरह मना रहे हैं कि एक हिंदुस्तान की 140 करोड़ के जनता के जोड़ा बाजार ने उन्होंने झंडे ब्लैक से मिल रहे हैं, इन्ना झंडा लोग खरीद रहे हैं, इन्ना उत्साह जे, क्योंकि आज़ादी वो प्रतीक है जोड़े सारे समाज में
सारे वर्गों नू एक सूत्र ते बंदा वा ते ये झंडा कोई सानू इस तरह नहीं प्राप्त होया इहनू पाउण लई साडे देश दे अनेक क्रांतिकारियां ने नौजवानों ने अपने जाना दी बलिदान दिता ते फिर कितें जाके सानू आज़ादी मिली है। तो इस करके जिस तरह आपां बाकी त्यौहार मनाने वा इस तरह जिहड़ा आज़ादी का 75वीं वरेगंढ है इहनू असीं धूमधाम नाल मनाईए ताकि साडे जिहड़ी आने वाली पीढ़ी आ उहनां नू पता लगे कि जिहड़ी साडी देश दी आज़ादी कोई इस तरह नहीं मिल गई। इहनां नू पाउण लई सानू काफ़ी सत्ता सहनिया पईआं, काफ़ी बलिदान देना पिया, काफ़ी कुछ करना पिया। इन्ना ही कहिंदा होया मैं सारे ही देशवासियों नू फिर तो लख लख बधाई देना वा। जय हिंद, जय भारत।